तो गाइस आपको यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अलॉटमेंट लेटर किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर आपको स्कूल अलॉट हो चुकी है, आपको पता चल ही गया होगा, बट आपको यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर निकालने का पूरा तरीका आपको मैं बताऊंगा। अलॉटमेंट लेटर का क्या करना है, किस तरीके से निकालना है, साथ में क्या उपयोग होगा उसका, तो कंप्लीट बताऊंगा। तो यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे और आईडी पासवर्ड यहाँ पर जो है वो लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद में जो है वो आपको यहाँ पर जो कैप्चर कोड नंबर है वो यहाँ पर डालना होगा। तो अपनी आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में कैप्चर कोड नंबर डालना होगा, उसके बाद में जो है वो लॉगिन करना होगा। जैसे कि कैप्चर कोड नंबर यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर जो है लॉगिन करते हैं और आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो आईडी पासवर्ड डाल दिया, इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर जैसे क्लिक करते हैं हम लॉगिन हो जाते हैं, थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर एंट्रेंस रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा, सर्च पर आपको फिर से क्लिक करना होगा। नीचे आएगा आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, इसमें आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि आपकी स्कूल कौन सी मिली है। साथ में आपको ये अलॉटमेंट लेटर आपको प्रिंट आउट निकाल के जो है वो अपने कॉलेज में भी लिख के जाना पड़ेगा। कॉलेज में जाने के बाद में अलॉटमेंट लेटर को रिलीव लेटर दिया जाएगा और उसके बाद में जो है वो आपको स्कूल में लेके जाएगा जाना होगा। तो ये अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, अलॉटमेंट लेटर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नीचे जाना होगा, नीचे आपको यहाँ पर जो है वो आपके स्कूल का नाम, आपके यहाँ पर जो है वो सभी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर 14 मार्च आपको देखने को मिल रहा है स्कूल, आप देख सकते हो आपको जो भी स्कूल मिली है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप अपने यहाँ पर स्कूल का नाम यहाँ पर देख पाएंगे और कौन सी अलॉट हुई है वो यहाँ पर देख सकते हो। अलॉटेड स्कूल नेम, विलेज, यहाँ पर सब कुछ डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तरीका था, इस तरीके से आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर प्रिंट पर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद में जो है वो इसे आप यहाँ पर जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए या फिर सेव कर लीजिएगा। तो ये तरीका था, फिलहाल वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करें, साथ में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।